प्रमाण में आप देख रहे हैं आईडी इंडिया न्यूज। तो प्रदेश के सभी जनपदों में निकाय चुनाव संपन्न हो गया। प्रत्याशियों के साथ साथ पार्टी के मुख्य नेता और मंत्रियों की जो राजमाइश भी खत्म हो गई। जनपद सिद्धार्थनगर में भी निकाय चुनाव में बहुत ही जबरदस्त टक्कर थी। भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। इस जिले में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए कई दिग्गज एवं नामी मंत्री तक पहुंचे, लेकिन पार्टी की प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। भाजपा केवल 2 सीटों पे ही जनपद में कब्जा जमा सके। जनपद के बांसी नगर पालिका और उसका में लड़ाई ज्यादा थी। देखा जाए तो लड़ाई पूरे जिले में थी, लेकिन इन दो जगहों पर कुछ ज्यादा थी। बांसी में सपा के पूर्व चेयरमैन चमन आरा के पति इदरीस रायनी चुनाव लड़ रहे थे, जिनके सामने चुनौती भी थी। यहां भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार के लिए स्वयं मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अपने उड़न खटोले से उतरे थे और पूर्व चेयरमैन पर काफी आरोप भी लगे। लेकिन इन सब उठापटक के बावजूद भी यहाँ की जनता ने एक बार फिर चेयरमैन बनाकर ये साबित कर दिया कि इंसान का काम बोलता है, नाम और पार्टी का सिंबल नहीं। वहीं उसका में भी सपा ने बाजी मारी। जिले के डुमरियागंज में बसपा ने अपना खाता खोला तो वहीं बढ़नी में निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। सूरतगढ़ और नौगढ़ में भाजपा ने जीत हासिल की। इसका कोई दबाव आप लोगों को नजर आया? देखिए, जनता हमारे साथ है। जनता के विश्वास पे जनता ने हमको पूर्ण विश्वास के साथ जैसे हमको चुना है, मैं भी उनके साथ ही कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा चला हूं। इस 5 साल में हमने जो भी विकास का काम किया है, विकास के नाम पे वोट मिला है और जनता को मैं जिस विश्वास के साथ जनता ने हमको चुना है, उस विश्वास के साथ मैं जनता के सामने खड़ा उतरूंगा। इस दोबारा मिले कार्यकाल में आपकी प्राथमिकता क्या है, बांसी के लिए क्या करना चाहेंगे? बांसी के लिए हम जो है, जो भी हमारी पत्नी नगर पालिका चेयरमैन 5 सालों में थी, जो भी छूटा है अधूरा काम, उसको पूरा करने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ करूंगा पूरा। और इसी पे हमें जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, दिली मुबारकबाद देता हूँ कि जनता जिस विश्वास के साथ हमको वोट दिया है, उस विश्वास के साथ मैं खरा उतरूंगा। आप अपनी जीत के पीछे पूर्व चेयरमैन की क्या सहभागिता मानते हैं? बहुत सहयोग मानते हैं। उन्होंने पूरा मेहनत किया, पूरा बाढ़ में साथ दिया, पूरा विश्वास है हमको, तो हम दोनों एक रहेंगे। धन्यवाद। आपको दोबारा चुना तो आगे का आपका क्या नजरिया? हमारी जनता ने हमको चुना, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और दोबारा हमारी जनता ने हमारे पति को चुना, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत उनका धन्यवाद देती हूँ। ये जीत हमारी जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं, हमारे पति की जीत नहीं, हमारी जनता की जीत। और जिस उम्मीद के साथ हमारी जनता ने जिताया है हमारे पति को, उससे कहीं ज़्यादा हम इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। पिछले कुछ कार्य अधूरे छूटे हैं, काफ़ी एलिगेशन लगे हैं मंडी समिति कुछ दुकानों को लेकर, इन सब मसलों का हल कैसे होगा? जो भी जो है कार छूटे हैं, अधूरे कार हैं, उसको पूरा किया जाएगा। तो दिन रात आपकी मेहनत रंग लाई, तो पति के लिए कुछ दिशा निर्देश है कि आगे कार शैली आपकी कैसी हो जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना आए? जो भी है सब ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ में मिलकर काम किया, साथ में मिलकर काम करेंगे। शुक्रिया।